नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की, और मैं आपके साथ विनोद कुमार। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मध्यम वर्गीय ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं। बिहार के जिला गया में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर शेर घाटी के राजद विधायक मंजू अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर किसान और मध्यम वर्गीय लोगों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में और राज्य में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि जनता चिंतित है। इधर युवा नसामुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यही सरकार के लोग जब सत्ता से बाहर थे तो चिल्ला चिल्ला कर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों की चर्चाएं करते थे, यूपीएस को सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। आज वह कहाँ है, उनकी संवेदनशीलता कहाँ है और कहाँ गई है। जनता डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से त्राही त्राही कर रही है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। मोहम्मद सईद की शेर घाटी से खास रिपोर्ट। सुशासन की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, और पेट्रोल का दाम जितना बढ़ा इसमें आप क्या कहिए? देखिए, ये पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे किसान बंधु की क्षति हो रही है। बताइए, वो बहुत दुखित हैं। इस तरह का दाम बढ़ना एकदम अनुचित है, और ये ज्यादा प्रभाव मिडिल क्लास पर पड़ रहा है, और ये बहुत ही गलत है। और ये इस तरह का पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना नहीं चाहिए, और मैं इसका विरोध कर रही हूँ। इससे मिडिल क्लास और किसान वर्ग को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। पेट्रोल आप लिया है अभी, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप महंगाई बढ़ गया है, इतना महंगाई नहीं होना चाहिए डीजल पेट्रोल के। इसमें जनता बहुत तरह इमाम कर रहा है, महंगाई से शतक लगा रहा है पेट्रोल का दाम। अपना परिचय दीजिए। प्रखंड प्रमुख शेर घाटी भोला चौधरी। शासन की सरकार है और मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहना है? पेट्रोल जो आपने लिया, क्या महसूस किया आपने? बहुत खराब। बहुत खराब मतलब? इतना ज़्यादा दाम है कि लेना मुश्किल है। लेना मुश्किल है। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार। मुमकिन है? पेट्रोल लेने में कैसा बुझा रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत महंगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा। और कुछ करना है? देश को तो लग रहा है कि बेचिए देंगे आप। क्या नाम है? मेरा नाम है कलीम। बताइए। पेट्रोल और डीजल की वजह से आम जनता जो है, आम लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं, और सरकार, यही सरकार भाजपा की जब सरकार थी, जब सत्ता में नहीं थी, तो यही पेट्रोल और डीजल और महंगाई के मुद्दे पे इतना इन लोगों ने ड्रामा किया था। मनमोहन को चूड़ी दिया और स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी। आज कोई सत्ता के लोग इस पर बोलने के मतलब रविदार नहीं है, ना कोई सूद ले रहा आम जनता का। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दोषी है, इसलिए कि आज जब कच्चा तेल का दाम कम है, उसके बावजूद रेट इतना ज़्यादा है। उस समय तो कच्चे तेल का दाम ज़्यादा था, इससे आम लोग बहुत बुरा परेशानी है। सीधा इससे महंगाई पर असर पड़ रहा है, डीजल का रेट और पेट्रोल के रेट से मतलब पूरे देश के जितनी भी एक चीज़ है सब महंगी होगी। इससे सारे लोग पर त्रस्त, अब कोई सुनने वाला नहीं है। इसमें राज्य सरकार भी दोषी है और केंद्र सरकार भी दोषी है, इसलिए कि केंद्र सरकार भी अपना टैक्स ले रही है और राज्य सरकार भी टैक्स ले रही है, पिस रहे हैं हम आम लोग इसमें। अपना परिचय दे दिया जाए। मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन, बरघाटी।